हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया जोधपुर से हमारे यूट्यूब चैनल पारस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों दांत का दर्द या जिसको टूथ एक भी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही छोटी सी समस्या है, लेकिन जो आदमी पीड़ित होता है वो समझ सकता है कि दांत का दर्द क्या होता है। अगर दोस्तों अभी चर्चा करने जा रहे हैं दांत के दर्द के बारे में, उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं दांतों के दर्द या टूथ एक के बारे में। दोस्तों किसी भी कारण से अगर आपको दांत का दर्द रहता है तो होम्योपैथी में आज आपको ऐसी ऐसी दवाइयां बताएंगे जिससे आपको तुरंत राहत, यानी कि कुछ सेकंड के अंदर अगर राहत मिलती है तो दोस्तों इससे बड़ी राहत आपको कैसे भी, जो जिस मरीज को महसूस होता है दर्द वो सेकंडों में अगर आराम मिलता है तो उसके लिए जन्नत से कम नहीं होता है। कारण रहता है कि अगर आप किसी भी तरीके की अंग्रेजी दवाएँ भी यूज करते हैं वो आपको आधा घंटा या एक घंटा में रिलीफ देते हैं, और होम्योपैथी दवाइयाँ अगर आपको कुछ सेकंडों के अंदर राहत पहुँचाती है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होती है उन केसेस के लिए। अब अपन उससे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों कि आपका दांत दर्द किस वजह से हो रहा है। दांत दर्द हो सकता है आपको दांतों पर कोई किसी तरीके की इंजरी या चोट की वजह से दर्द हो रहा हो, या फिर हो सकता है आपके दांत के अंदर या खोखलापन आ गया हो या कैरीज बन गई हो, उसकी वजह से भी आपको दांत में दर्द हो सकता है। तो ज़्यादा केस होते हैं डेंटल कैरीज की वजह से होते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ के अंदर आपके मसूड़ों में सूजन हो सकती है, या फिर आपको इससे साइनस जो होती है, नज़ला होता है, उससे भी दांत का दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ में आपका जो जॉइंट होता है, मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, वो उसके अंदर भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम होने की वजह से दांत का दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ में जो विजडम टीथ बोलते हैं, या जो बुद्धिमानी का दांत जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से भी कई बार तेज दर्द दोस्तों देखने को मिलता है। अगर आपको डेंटल कैरीज या किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट से जरूर संपर्क करें या उसकी जो सही समय पर फिलिंग करवाएं या सही तरीके से उनसे कंसल्ट राय लें दोस्तों। लेकिन जो हम बात करने जा रहे हैं कि ओरल हाइजीन आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से कुल्ले करें और मुंह को साफ तरीके से आप उसको हाइजीन मेंटेन रखें दोस्तों। लेकिन जो आज जो मेडिसिन बता रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, वो इतना अहम रोल प्ले करती हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। टॉप लीडिंग मेडिसिन के अंदर जो मेडिसिन आती है क्रियोजोटम मदर टिंचर दोस्तों। मदर टिंचर ये क्रियोजोटम ऐसी दवा है जिसको आप आधा कप पानी के अंदर 10 से 12 बूंद डाल के उसका आप कुल्ला करें, यानी कि मुंह के अंदर थोड़ी देर उसको हिलाएं एक दो मिनट तक, उसके बाद उसको थूक दें। ऐसा 2-3 बार करने से आपको तुरंत राहत मिलेगी दांत के दर्द से दोस्तों। उसके बाद भी अगर किसी कंडीशन में नहीं मिल पाती है दोस्तों, तो आप उसकी मदर टिंचर का हल्का सा कॉटन में लेके जिस पार्ट में आपको दर्द हो रहा है उसको 2 या 4 या 10 सेकंड तक आप उसको वहां दबा कर रखें, आपको तुरंत राहत दोस्तों मिलेगी। इसके साथ में इंटरनल मेडिसिन के रूप में प्लेंटेगो मदर टिंचर आती है, उसकी 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार आप लेते रहें, वो आपका दर्द ठीक रहेगा दोस्तों। जो कुल्ले करने के लिए क्रियोजोटम बताया है मैंने आपको, वो खाना खाने के सुबह से हम दोनों टाइम आप कुल्ले करें, आपके खाना जो कण फंसे हैं वो भी बाहर निकलेंगे, आपको दर्द से भी तुरंत राहत मिलेगी। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं वो पोटेंसी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है दोस्तों। पोटेंसी के अंदर जो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है वो है केमोमिला। केमोमिला का इतना तेज दर्द होता है, पेशेंट इतना चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है, कुछ कंडीशन में ऐसा सोचने लग जाता है कि दांत दर्द से तो मरना बेहतर है दोस्तों। ऐसे केसेस के लिए काम करती है केमोमिला 30 पोटेंसी के अंदर। आप बार बार उसको आधा आधा घंटे से रिपीट करें, आपका कैसा भी दर्द हो धीरे धीरे चला जाएगा। उसके बाद जो मेडिसिन आती है दोस्तों साइलिसिया। साइलिसिया उन केसेस में काम करती है जिनके अंदर आपके दांत के नीचे एक एब्सेस बन जाता है, पस फॉर्मेशन होने लग जाती है, उन केसेस में काम करती है साइलिसिया। साइलिसिया के साथ में दोस्तों हिपरसल्प मेडिसिन है, वो भी आपके घाव को ठीक करते हुए पस को सुखाने का काम करती है और एब्सेस के अंदर आपको पेन के अंदर रिलीफ देती है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है दोस्तों एकोनाइट। एकोनाइट का दर्द किसी भी वजह से
आपको अचानक अगर सडन पेन अगर महसूस हो रहा हो उस समय पर अगर आप एक्रोनाइट ले लेते हैं 30 पोटेंसी के अंदर, आपको वो तुरंत राहत देती है। दोस्तों इंटरनल मेडिसिन के रूप में आप कोफिया क्रूडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको गर्म या ठंडे से सेंसिटिविटी लगने लग जाती हो दांतों के अंदर, वो इसके साथ में मरक्सोल भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन दोस्तों किसी भी कारण से अगर आपको दर्द हो, आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, आप केमोमिला और क्रियोजोट 30 का आप इंटरनल मेडिसिन के रूप में और क्रियोजोट मदर टिंचर के आप कुल्ले करके तुरंत राहत पा सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से, और आपको दर्द को इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं दोस्तों, कि आपके काफी लंबे समय तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका दर्द तेज हो रहा है, आपको दर्द की गोलियां खानी पड़ रही हो, बार बार खाने से आपको पेट भी खराब हो रहा हो। तो दोस्तों इन दवाइयों का सहारा लेके आप जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं उसके बाद आपने अपने चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों किसी तरीके की क्योरी या किसी रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके हमारे को भेज सकते हैं, या आप हमारे से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दिया हुआ मिल जाएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।